नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS 2020 की एग्ज़ाम डेट के बारे में। कब होगा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस CVT 1 टायर 1 एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसके लिए क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं और कितनी जाएगी कट ऑफ, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो 2 से 3 मिनट का होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दो, 25 जनवरी से DRDO MTS के लिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों CVT 1 टायर 1 एग्ज़ाम की। तो CVT 1 टायर 1 जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, जो कि 35 मार्क्स की आएगी। 35 मार्क्स का यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाएगा, 35 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आपको 35 नंबर की होगी। कहने का मतलब ये है, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स आपके होंगे। आपको इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपको कितना लगभग होना चाहिए, तो मेरा मानना है 35 में से 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 25 जनरल अवेयरनेस में करने होंगे। तो कुल मिलाकर 85 क्वेश्चंस कम से कम आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका CVT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। कम से कम इतना मार्क्स तो आपका होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो आपका CVT 1 एग्ज़ाम है, इसका सबसे ज़्यादा आपके लिए कॉन्टेस्ट रहने वाला है, प्रतियोगिता इस बार ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो आप सभी को बता दूँ, 2016 में यही इसी प्रकार से DRDO ने MTS के फॉर्म को निकाला था, जिसमें आपके जनवरी और दिसंबर 2015 के दिसंबर में इसका आवेदन प्रक्रिया और 2016 के जनवरी में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका जून और जुलाई में जाकर, यानी कि 5 से 6 महीने का आपको समय दिया गया था। दोस्तों, उसी तर्ज पर अब हम देख सकते हैं आपका वही 2019 के दिसंबर और 2020 के जनवरी में आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको उसी तर्ज पर आपको कितना समय मिल सकता है, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जून या जुलाई में ही जाकर हो, यानी कि अभी आपके पास लगभग 120 से 130 डेज हैं, 4.5 महीने 5 महीने का समय आपके पास है, 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 25 जनवरी से इसी YouTube चैनल पर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 25 जनवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी और विद PDF होंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।